गाइज वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। रितिका ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। सुबह के प्यार भरे गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड भी तैयार हो रहे हैं अपना कोर्ट जाने के लिए। क्रीम लगा लीजिए, उसमें है क्रीम। गुड मॉर्निंग गाइज को नहीं बोलेंगे, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट बोलते रहते हैं मेरे हस्बैंड जी सुबह शाम रहते हैं। क्रीम था उसमें लगा रहते थे, कोट पहने थे। तैयार हो रहे हैं मेरे हस्बैंड, देखे सॉक्स पहन रहे हैं। पहन लीजिए, नाश्ता लाओ। नाश्ता नहीं करते हैं सुबह सुबह, नाश्ता कर दो तो चिढ़ जाएंगे। क्या हुआ, कुछ भी नहीं खाना यार, कैसे इसमें लेके जाऊंगा? क्या तेल इसमें गिर जाएगा? नहीं गिरेगा, बिल्कुल सूखा वाला मैंने भुजिया बनाई है, तेल नहीं लगेगा आपके भाई। गिर जाएगा, पॉलिथीन डाली है उसमें। हाँ बंडी पर पेपर है मैंने, गिर जाएगा ना तो फिर आज आपका है उसमें नहीं गिरेगा। पॉलिथीन दे रही हूँ। हाँ जी, अब मुझे जानते हो ना, सारा बिगड़ जाएगा। पहन लीजिए जूता, तो जाने के लिए जूता पहन रहे मेरे हस्बैंड जी। बैग में फाइल ज्यादा हो गई है। बाय। तो दीक्षा का स्क्रबिंग हो गया है, यही ठीक है क्या? तो ये क्या लगाइयो, कौन सा स्क्रब? गैस को बता दो, वो लोग भी लगाएंगे। जो इब्री यूथ का इन्होंने स्क्रब लगाया है। और बालों में पैक लगाई है, कॉफी चाय पत्ती पीस के कॉफी और नारियल के अखरोट का स्क्रब लगाई है। और चाय पत्ती पीस के उसमें काफी नारियल तेल डाल के सफ़ेद बालों के लिए दो हफ्ते में दो बार लगाने हैं, जड़ से आपके बाल पकने सफ़ेद होना बंद हो जाएगा। तो गाइस को भी मैं चाय की शेयर कर दूँ। यहाँ देखिए दीक्षा है, अभी इसने बालों में पैक लगाया है और चेहरे पे स्क्रबिंग हो गया इनका। मेरा पैक चेहरे वाला हल्दी वाला मैं बेसन वाला स्क्रब के बाद पैक लगाना चाहिए, नहीं लगेगा डेली नहीं लगेगा? लगेगा, वो भी लगना चाहिए ना। उसमें क्या है, उसमें बेसन था, नारियल तेल था, नींबू था और क्या था, बेसन हल्दी नारियल तेल, नींबू, दही। गाइज आप लोग भी लगाइएगा, मैं जा रही हूँ उसे बना के लगाने चेहरे पे, मैं आके लगाऊंगी। आटा वाला है, आटा बेसन, वो तो मैंने शर्ट में डाली थी ना वीडियो जो अभी तुम बताई। और यहाँ पे अर्ना क्या कर रही है, देखिए टंग निकाल रही है। आज स्कूल नहीं गए थे, छुट्टी थी ना, तुम्हारे दादा इसको घुमौरी हुआ है। ये भी मार्च की है, मैं भी मार्च महीने की हूँ, दोनों लोग को घुमौरी होती है। रात में कुछ नहीं था, अचानक सुबह ही था, पूरा दाना दाना भर गया था, घमौरी हुआ था। अभी ठीक है, बड़ा बड़ा दाना हो गया था, अभी तो नॉर्मल हो गया है। कुछ इन्फेक्शन नहीं किया था ना गर्मी से, कोई दवाई खाई थी ना? देखिए इसमें कम हो गया है, पाउडर लगा है, बहुत ज्यादा हो गया था, खुजली कर रहे थे गर्मी से, स्कूल में जाकर दिक्कत हो जाएगा तो फिर गर्मी से हुई। तुम घर आराम करो, चलो आज आराम कर लो, कोई बात नहीं, तुम अभी छोटी ना। पूछे मैम से कि पेपर इसका नहीं, तो मैम बोले नाइन का पेपर नहीं चल रहा। अच्छा पेपर नहीं चल रहा, पेपर चल रहा, इन दोनों का चल रहा, कृतिका और बाबू का। कि मेरी वीडियो वायरल अभी हो जाएगी? कितने देर में, कितने देर में हो जाएगी अपना मेरी वीडियो वायरल? कब हो जाएगी मेरा चैनल, कब वायरल हो जाएगा? अभी से हो जाएगा, अभी से तुरंत पक्का। अर्ना इधर आओ, यहाँ पे अर्ना है,
बोल रही हैं कि मम्मा आपकी वीडियो अभी से वायरल हो जाएगी, हमारी वीडियो भी वायरल हो जाएगी। तुम बाबू को क्या चाहिए? अम्मा को मैं लाऊंगी तुम्हारे लिए, आशीर्वाद दे रही हो, अभी तुरंत हो जाएगी वायरल। अरे वाह, तब तो मेरा जमीन करना, तब तो मैं तुमको ले चलूंगी हवाई जहाज में घुमाने, चलोगी ना? चलो, थैंक यू। आज मेरे बाबू कितना पढ़ रहा है, नज़र ना लगे मेरे बाबू को, माता रानी। बाबू मेरा जब से आया तब से मेरा बच्चा पढ़ रहा है अपने से, मैंने बस खाना दे दिया से मेरा बाबू पढ़ने में लगा है। क्या पढ़ो बेटा? कल साइंस का पेपर है। आज बाबू के SST का पेपर बाबू कर के आया है। बस एक क्वेश्चन इसे डाउट लग रही है कि गलत हो सकती है। गलत कोई बात नहीं बेटा, आप इतना मेहनत करते हो, कोई बात नहीं। और काम क्या करवाएगा स्कूल में? काम आज मेरी तबीयत खराब हो गई है, देखिए मेरे कैसे चेहरा हो गया। मैं लेटी हुई थी अभी तो, मेरा जुकाम हो गया गाइस, और मैंने दवा खाई है। अचानक से मुझे जुकाम पता नहीं कैसे हो गया, और शरीर में दर्द और नाक जाम जाम सा, और गले में खराश हो गई, और मेरा खाना खाने का बिल्कुल इच्छा नहीं, खाना देखने पर लग रहा है कि खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। सूना सूना सा मुँह लग रहा है, जीभ, और लग रहा है कि खाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा लेजी हो गई थी आज। अभी हल्का सा आराम हुआ है, दवा खाई है मैंने, तो देखते हैं आगे आराम हो जाए ना, कि वाली ना कि से जाम हो जा रही है मेरी। बाबू हंस रहा है, बाबू तू मेरे से दूर ही रहना भाई, मैं ऐसे गाई जैसे अपने दुपट्टे से या फिर मास्क से, मास्क ऐसे बांध के रह रही हूँ कि मेरे बाबू को इन्फेक्शन ना हो जाए, ऐसे ऐसे कर ले रही हूँ मैं, और बाबू से थोड़ी सी दूरी ले रही हूँ, ऐसे बाबू के मुँह से भाग नहीं दे कि इतनी दूरी से मैं बैठी हूँ। ऐसे रह रही हूँ मैं बाबू कि बाबू को मेरा जुकाम हो जाता तो मैं बहुत दुखी हो जाती, बाबू को बस मेरा कुछ ना हो, बस मेरा बाबू ठीक रहे, है ना बाबू, है ना। पाँच और मैं यहाँ पे बाबू के लिए बना रही हूँ बेसन के हलवे, और अपने लिए बना रही हूँ चाय, बेसन के हलवा बना रही हूँ, बेसन में एकदम ब्राउन हो गया सिद्धू के लिए बना रही हूँ, इसमें चीनी डाल रही हूँ, एक लोगों के लिए बन रही है हलवा बेसन में। यहाँ बाबू का दूध रखा है, बाबू अपने दूध पी लो, हलवा खा के दूध पी लेना, लो बाबू मेरा वहाँ पे बोर्ड पे पढ़ाई कर रहा, बोर्ड पे पढ़ाता भी है और पढ़ता वैसे आटी का हलवा बनता है, वैसे बेसन का हलवा बनता है, बिल्कुल लगेगा कि बेसन का लड्डू है। वैसे मुझे चाय ले लेती हूँ, काम हो गया तो चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही है, वैसे मेरा चाय का काम हो गया, बाबू को तैयार हो गए। बच्चों को हफ्ते में या फिर 15 दिन पे 10 दिन पे एक बार मीठा जरूर देना चाहिए, बच्चों का हेल्थ अच्छा होता है। चाय चाय तो कम हो गई, जल गई, मुझे फिर दूध डालना पड़ेगा। ओ बाबू आपकी हलवा बन गई, देखिए आपका बाबू पढ़ाई कर रहे भाई, क्या पढ़ो बाबू, किसी के बारे में पढ़ो, मैं ऐसे दूर ही रहा। मुझे हो गया जुकाम, बाबू को जरूर हुआ, फिक्स है। उनका नाश्ता देखिए बन गया, बेसन के हलवा, दूध और मिर्च, बाबू 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 देखिए सुन नहीं रहा बाबू मेरा, ये बहुत सुनता है बाबू बाबू, ओ बाबू चलो आ जाओ, सुन नहीं रहे हो ना, ठीक है मैं बात नहीं करूँगी, इधर आओ,
ये पढ़ने में इतना बिजी हो जाता है ना गाइस कि मैं बोलती रहती इस पर असर नहीं होता है। जल्दी आओ, ये दूध पियो हालिक डाल के और हलवा खाओ, क्योंकि दोनों टाइम एक होता है तो कुछ खाया नहीं जाता है। हाँ तो गाइस मैं देखिए, मैं भी एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती थी। हम ना जैसे 5 बजता है गर्मी वाला, तो हम चाय पी लेते हैं और जो नाश्ता करना रहता कर लेते हैं, बाबू को भी जो देना रहता दे लेते हैं, क्योंकि जब दोनों टाइम एक होता है तो उस टाइम हम लोग को कुछ नहीं खाना चाहिए, उससे आपके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा और ऊपर से लक्ष्मी भी जाती है, हरासमेंट होती है, पैसे रुपये की कमी होती है। तो हमें दोनों टाइम जब एक होता है तो खाना नहीं खाना चाहिए, तो सभी को पता है। बाबू को देखिएगा रिएक्शन जब मैं बाबू को बताऊंगी कि आज डिनर में क्या बन रहा है। मम्मी पहले बता। आलू का पराठा बन रहा है बाबू, आलू का पराठा। नहीं बाबू खुश हो ना, आलू का पराठा बन रहा है, खुश हो। बाबू को आलू का पराठा बहुत पसंद है, पर ये वैसा वाला रिएक्शन अभी नहीं दिखा रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है, पर ये बहुत खुश है गाइस। तो आज डिनर में आलू के पराठे और धनिया टमाटर की चटनी और मीठी चटनी बनने वाली है। मुझे टमाटर दे दोगी, काट दूंगी टमाटर वापस, आलू लहसुन काट रही है, आलू उबल गए हैं और आटा लग गया है हमारा, और बस पराठे बना रहे हैं गाइस। मेरे को जुकाम हो गई है, मुझे चावल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और मुझे चटपटी चीज़ें खाने का मन कर रहा है, तो इसलिए मुझे समोसे खाने का मन कर रहा है, गर्मा गर्म चटपटा। सच में पियेंगे 2 गिलास? क्या हुआ? पानी ले लीजिए। अच्छा क्यों नहीं लगता ना? बाबू को डांट पड़ी, सर बोलेंगे। ये इस टाइम नेल काट रहा है, इसको पापा इसके डांट रहे अभी। बस लास्ट के 4 बचे हैं। क्या लास्ट के 4 बजे? काट लो, जब पूरा काट ले रहे दीजिए, आगे से दोबारा से मत ऐसे करना। मैं नहीं करता, दिन में टाइम नहीं होता। अब क्या बोले? ज्यादा नील का ये क्या दिन है? फोन मेरा खराब हो गया, फोन ही पूरा हो गया, पता नहीं क्या हो गया। फोन में क्या हो गया आपके? आपको तो फोन जा रहा था, लेकिन वो फोन पता नहीं क्या हो रहा है, स्क्रीन उसका एकदम डेड हो जा रहा है, वहाँ पे दब गया था इसलिए। नहीं ना, जब सामान से दब नहीं गया था एक बार, आप शीशे में भी दिख रहे हैं। रात में नहीं काटते बेटा, चलिए उसको स्कूल में डांट पड़ेगी ना, इसलिए काट रहा है। क्या कर रहा है? उसको रख दो वहाँ पे। क्या हुआ बाबू को डांट पड़ी आज? ये इन्होंने शराब पीना, चाय पीनी है, बाबू क्या हंस रहा है? चाय बना देती हूँ, जा रहे अपने हस्बैंड जी के लिए चाय बनाने के लिए, और यहाँ पे सालू जी आटा गूंथ रही है, मैं गूंथ देती हूँ। इधर हो जाए बाहर, हमारा किचन छोटा है ना गर्ल्स, तो कोई नीचे बैठ जाता है तो हम लोग हंस नहीं पाते हैं। चाय बना लेती हूँ, हाँ मैं भूल गई थी कि आटा गूंथ रही है, पर ये गूंथा नहीं था, सॉरी गाइस, मैंने देखा नहीं तो मुझे लगा था आटा गूंथा गया, कोई बात नहीं, मैं चाय बना लेती हूँ। तो वहाँ पर आपको मैं कर दे रही हूँ, मेरे को दे देती है, मैं उसको यहाँ पे चाय बना रही है गाइस, पीना है गाइस, चाय आप लोग को भी पीना है तो आ जाइए हमारे लिए। गाइस हमें जुकाम हो गया तो
मैं बहुत सावधानी रख रही हूँ, हाथ धो रही हूँ। जुकाम में बहुत सही है, जुकाम। हाँ ये तो बस सही है, पर सबको लग जाएगी ना, इसका डर बना रहता है गाइस। सही है ना, हो रहा है सबको ना लगे, क्योंकि कोई भी संपर्क में आता है ना गाइस, तो उसको होने का डर रहता है। मेरे चेहरे पे लाइट चमक रही है, और मैं यहाँ पे अदरक और काली मिर्च ना इसको कूट के डालने वाली हूँ। मार दो आटा, तो भी दिक्कत हो रही है ना, रुक जाओ। हाँ फिर नमक अपने अंदर से, अच्छा बनेगा तो डाल दो, तुम नहीं डालना पाओगी फैल वाला। तो मैंने चाय पत्ती डाल दी है, चाय बन रही है हमारी। तो यहाँ पे गाइस मैंने देखिए टमाटर काट के रखे थे, उसकी मीठी चटनी बनाती हूँ। मीठी चटनी तो मैंने बनाने के लिए रख दिया है, इस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है, बना रही हूँ। चाय भी बन रही है, मैंने चावल को फ्राई कर दिया है ना, पूरे घर में फैल गया उसका सड़क। और अभी मैंने अपनी रेसिपी डाली है गाइस आलू के पराठे की, उसे आप जरूर देखिएगा। इसी चैनल पे मैं रेसिपी भी डालती हूँ। और टमाटर और गुड़ से बनी मीठी चटनी की मैंने साइड डाली हुई है, उसे भी आप जरूर देखिएगा। पराठे तो गाइस मैं अपना खाना लेके आ चुकी हूँ, और मेरा बाबू भी सो चुका है, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड टीवी देख रहे हैं। दूध लाओ। क्या हुआ, क्या हुआ, आज कोर्ट में गए तो क्या हुआ, क्या मच्छरदानी के अंदर जा चुके हैं? बैठिए ना ऊपर, उठ के बैठिए ना। केस के बारे में कुछ कहेंगे गाइस से कहिए, कैसा केस आज आपको कोर्ट में मिला था? ऑफिस में गया था, कोई केस नहीं मिला। बाहर जाना है, उड़ीसा का आया है ना केस गाइस, जिनको उड़ीसा का केस आया हुआ है। क्या है मैटर? तीन सौ सात है ना? हाँ। 307 है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है ना, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो कब जाना है आपको उड़ीसा? तो इनको इंडिया में कहीं भी केसेस देखते हैं गाइस। तो अगर आप कहीं भी इंडिया में रहते हैं, आपको कोई मैटर है, तो आप हमारे ब्लॉग के थ्रू कमेंट में बातचीत नंबर लेके कर सकते हैं, और मैं अपने हस्बैंड मेरे हर तरह से आपकी मदद करेंगे। अगर कोई भी ऐसा है जो ब्लॉग देख रहा है और किसी मुसीबत में है, तो मैं मेरे हस्बैंड और मैं आपकी हेल्प जरूर करेंगे। सो मैं अभी अब खाना खाऊंगी, और मैंने भी अपनी शर्ट वाली वीडियो, मैं भी एडवोकेट हूँ, मैंने भी डाली हुई है, कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे आलू के पराठे और चटनी देखी लेके आई हुई हूँ खाने के लिए, तो मैं खाती हूँ, क्योंकि मैंने खाली पेट की गैस की दवाई खाई थी। और अपने हस्बैंड को दूध दूंगी, इसके बाद सो जाएंगे गाइस। सो अब मैं इसी के साथ अपना ब्लॉग को एंड करना चाहती हूँ। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।